गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग गैल्वेनिक सेल को अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स भी उससे रिलेटेड किए थे, और साथ में ही हम लोग जो भी बेसिक थोड़े से हमारा थ्योरी का पार्ट बचा हुआ था तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट पार्ट बी ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल है हमारा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि दोज टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स और दोज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच इज़ बेसिकली यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, राइट? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे ब्रेक करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे। बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारा केमिकल कंपाउंड्स है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स By the supply of electrical energy or electricity, comma, chemical compounds ब्रेक इंटू आयंस, अपने आयंस में क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। ये सब टाइप के सेल आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, दिस टाइप ऑफ सेल आप पहले पढ़ चुके, इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब पढ़े होंगे जूनियर क्लासेज में, तो वही सब हमारा है, राइट? आई बात समझ में? चलिए ना, अब देखिए, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को फिर से थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजीज को जाननी पड़ेंगी, तो वही हम लोग अभी देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। आपको मैं ये बता चुका था कंडक्टर क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इंसुलेटर, या फिर जो आसानी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। मैं आपको बताया भी था कंडक्टर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, हमारा मेटालिक कंडक्टर, मिक्स्ड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में हमारा चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मिक्स्ड कंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस भी होते हैं, और साथ में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें हमारा चार्ज कैरियर आयंस होते हैं। तो अभी हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? तो वो मैं आपको बता चुका था। अभी जो हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं, दैट इज बेसिकली फर्स्ट वन इज रेसिस्टेंस, जो आप लोग जानते ही होंगे, ये सब टर्म आसान आसान सा टर्म है। रेसिस्टेंस के बारे में आप जानते ही होंगे, रेसिस्टेंस नाम से क्लियर है, रेसिस्ट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी के या करंट को फ्लो करने के लिए जो भी हमारा ऑब्स्टिकल है, दैट इज बेसिकली रेसिस्टेंस। तो इट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में हमारा जो भी रुकावटें पैदा हो रही हैं, दैट इज बेसिकली उसी को हम लोग मेजर करते हैं किस चीज़ में? रेसिस्टेंस में। किस चीज़ में? रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कि कंडक्टर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। वेयर एज रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, वेयर ए रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ कंडक्टर, ये सब आप पहले से जानते होंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है कंडक्टर, कोई भी मेटालिक कंडक्टर, ये रहा, दिस इज योर मेटालिक कंडक्टर, राइट? ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज ए, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो बेसिकली लेंथ हुआ, दैट इज बेसिकली एल। क्लियर आई बात समझ में? दिस इज एल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो दैट इज लिख सकते हैं हम लोग आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू
रो एल बाई ए, ठीक है, वेयर आर इज द रेसिस्टेंस, रो इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, राइट। रो इज बेसिकली स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। एल तो मैं आपको बता ही चुका कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक कंडक्टर। आई बात समझ में, दिस इज बेसिकली रेसिस्टेंस, क्लियर, एनी कन्फ्यूजन? तो नो सर। अब देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बेसिकली हमारा क्या है, ऐसे तो अगर आप देखोगे तो इसका एस आई यूनिट क्या होता है हमारा, तो एस आई यूनिट इसका होता है ओम। तो एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, एस आई यूनिट इज ओम, इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज द बेसिकली एस आई यूनिट ओम, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट वन इज बेसिकली हमारा, इसमें हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज नथिंग, तो R इज इक्वल्स टू क्या आया आपका, तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। नाउ व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर और यूनिट, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी यूनिट। नाउ तो इस कंडीशन में R इज इक्वल्स टू रो इन टू एल के जगह पे 1, 1 ए के जगह पे भी 1, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया, रो, दैट इज उल्टा भी लिख सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आर। तो रो किसके बराबर में आ गया, रेसिस्टेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रो क्या चीज है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज द, ये किसके इक्वल में है, रेसिस्टेंस के इक्वल में है, इज द रेसिस्टेंस, इज द रेसिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, ऑफ मेटेलिक कंडक्टर हुज एल किसी को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए किसी को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हुज हुज लेंथ ऑफ, हुज लेंथ ऑफ कंडक्टर इज यूनिट, यूनिट मतलब 1, as well as has unit cross sectional area, has unit cross sectional area। तो वैसा मेटेलिक कंडक्टर जिसका लेंथ भी यूनिट होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट होता है, वैसे मेटेलिक कंडक्टर के रेसिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। वैसे मेटेलिक कंडक्टर के रेसिस्टेंस को ही, क्योंकि रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, और कैसा कंडक्टर का, जिसका लेंथ भी हमारा यूनिट होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यूनिट। तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर हुज लेंथ ऑफ कंडक्टर इज यूनिट, एज वेल एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एज वेल एज हैज यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। अगर यूनिट की बात मैं करूँ तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, R इंटू ए अपॉन एल। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया एस यूनिट ओम, एरिया का एस यूनिट की बात करें दैट इज बेसिकली मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हम लोग क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया, ओम इंटू मीटर, ये किसका यूनिट आ गया, रो का, दिस इज द एस यूनिट। तो लिख लेंगे एस यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज बेसिकली इक्वल टू ओम मीटर। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट, जो भी हमारा रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस है हम लोग का, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, दैट मीन्स वो नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके आप ये लिख लीजिएगा कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, या रेसिस्टेंस ही हम लोग लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर
एज वेल एज नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस के नेचर एज वेल एज टेम्परेचर पे हमारा क्या डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो टेम्परेचर जैसे किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर जैसे ही किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे, अब मेटल है हमारा, जैसे इस कंडक्टर की बात करें तो इट इज सॉलिड, मेटल है तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होगा, तो ये इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है हमारा। ठीक है, आपको पता होगा कि मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन बीच बीच के स्पेसेस में होते हैं। ठीक है, वही हमारा बेसिकली फ्लो करते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब जैसे ही इसका हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को रेज करने से क्या होगा, ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी मिलेगा हमारा, तो वो वाइब्रेट करने लगेगा अपने लॉन्ग, उसका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगा या वाइब्रेशन वो करने लगेगा। जैसे ही वाइब्रेट करने लगेगा, तो पहले एक जगह शांत से बैठा हुआ था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान ही था, अब वो खुद वाइब्रेट करने लगा तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स रेसिस्टेंस बढ़ गया और गया घट गया, तो दैट मीन्स रेसिस्टेंस इंक्रीज। तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे, उस कंडक्टर का, उस मेटेलिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिजिक्स में हम लोग टेम्परेचर का डिपेंडेंस भी पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और मेटेलिक कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर ना। तो ये सब सारी बातें थी रेसिस्टेंस की। तो फिजिक्स में कॉमनली हम लोग रेसिस्टेंस को यूज करते हैं, केमिस्ट्री में रेसिस्टेंस का उतना एप्लीकेशन या यूज़ हमारा नहीं है, जबकि इसका अपोजिट जो कि होता है कंडक्टेंस, उसका यूज हम लोग केमिस्ट्री में खूब करते हैं, जबकि कंडक्टेंस का यूज हम लोग फिजिक्स में उतना नहीं करते। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली कंडक्टेंस। नाम से क्लियर है, जैसे वो था रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्ट करना, रोकना, तो चार्ज के या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने के लिए जो भी हमारा था ऑब्स्टेकल, दैट उसका मेजर जो था दैट इज रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्ट करना मतलब फ्लो होने देना, तो कितना आसानी से, कितना ईज से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसको जो मेजर करने वाला यूनिट होगा वही बेसिकली क्या है हमारा, कंडक्टेंस। तो इट इज द मेजर ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ चार्ज, सॉरी एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज के फ्लो का एबिलिटी को मेजर करने के लिए जो मेरा यूनिट है जिसके हेल्प से हम लोग उसको मेजर करेंगे, दैट इज बेसिकली कंडक्टेंस। वैसे यही हमारा क्या चीज़ है, कंडक्टेंस। यूजुअली इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो आपको कई जगह ये जी से भी रिप्रेजेंटेड दिखता है। ठीक है, यूजुअली हम लोग इसको सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, सी फॉर कंडक्टेंस, या फिर कहीं कहीं पे जी से भी रिप्रेजेंट करे होगा दिखता है। ठीक है, और ये जो होता है कंडक्टेंस, कितना आसानी से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस कितना मुश्किल से रेसिस्टेंस करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वो एक दूसरे का अपोजिट है, रेसिप्रोकल। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का क्या चीज है, रेसिप्रोकल। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ये क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। नाउ अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करें, तो कंडक्टेंस दैट इज बेसिकली सी, ये हमारा रेसिस्टेंस का कैसा है, रेसिप्रोकल, दैट इज सी इज इक्वल टू हाउ मच, 1/r। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, दैट मीन्स सी इट इज इक्वल टू 1/r को क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई ए, और ए ऊपर में चला गया। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ए अपॉन रो एल, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है सर। तो सी का एक्सप्रेशन ये होता है, जहाँ पे ए के बारे में आपको पता ही है कि ए इज वॉट, तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, एल इज वॉट, तो एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जबकि 1/ρ, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू 1/ρ इंटू ए अपॉन एल, सॉरी इंटू ए अपॉन एल, और 1/ρ को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग आर को किसे रिप्लेस किए थे, रो एल बाई ए से, और हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, सी इज इक्वल्स टू 1/ρ को लिखते हैं बेसिकली के इंटू ए अपॉन एल, के इंटू ए अपॉन एल। क्लियर, वेयर के ये कितना हो गया हमारा, 1/ρ। ठीक है, के उस केस में हमारा रो क्या चीज़ था, रेसिस्टिविटी, तो के इस केस में क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी,
तो के इज नथिंग, इट इज सिंपली कंडक्टिविटी, सी हो गया हमारा कंडक्टेंस, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल हो गया हमारा क्या चीज, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आई बात समझ में? तो सी इज इक्वल्स टू के, या फिर इसी को हम लोग के नहीं बोल करके ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं और स्टेटमेंट इसको बोलते हैं यूजुअली रीड एज कापा। क्या चीज रीड करते हैं? कापा। तो सी इज इक्वल्स टू कापा इंटू ए बाई एल, वेर एज कापा इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी। कापा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, जो वन अपॉन रो होगा। रेसिस्टिविटी का क्या चीज होगा? अपोजिट होगा। रेसिस्टिविटी का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अच्छा ठीक है तो बताओ अब कंडक्टिविटी क्या होगा, तो कंडक्टिविटी को भी हम लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं आसानी से। तो कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आया है? कंडक्टिविटी इंटू सॉरी ए अपॉन एल, यही आया हमारा, आया या नहीं आया? व्हेन ए इज इक्वल्स टू वन और एल इज इक्वल्स टू वन, देन सी इज इक्वल्स टू कापा और कापा इज इक्वल्स टू सी। कब? तो कापा हमारा कंडक्टेंस के बराबर में कब हो गया? तो कापा हमारा कंडक्टेंस के बराबर में तब हो गया जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटालिक कंडक्टर और लेंथ ऑफ मेटालिक कंडक्टर क्या हो गया? यूनिट। तो हम लोग कापा को या कंडक्टिविटी को, या कंडक्टिविटी बोलते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ मेटैलिक कंडक्टर। कंडक्टिविटी कितना के इक्वल है? कंडक्टेंस के इक्वल है। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ मेटैलिक कंडक्टर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और एंड यूनिट लेंथ। वैसा मेटालिक कंडक्टर जिसका लेंथ भी हमारा यूनिट होगा, साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट होगा, तो वैसे मेटालिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर? आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो ये तो हम लोग जो कंडक्टिविटी पर है, दैट इज इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। कौन से कंडक्टर केस में पढ़ रहे हैं? मेटालिक कंडक्टर केस में, जो कंडक्टर मेटल होगा, मतलब कंडक्टर कुछ इस टाइप से है, सॉलिड हमारा इस टाइप से, ठीक है। तो ये उस केस में एल को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पे कंडक्टर अभी फिलहाल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ना है, वो हमारा मेटल तो कंडक्टर नहीं है। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर केस में, दिस इज द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर केस में, ठीक है। या फिर कंडक्टेंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर केस में, क्योंकि यहाँ पे कोई मेटल नहीं है जिसका रेसिस्टेंस निकालना है, कंडक्टेंस, ठीक है। हम लोग के पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ यूं होगा कि एक बीकर होगा, उस केस में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें दो इलेक्ट्रोड इस टाइप से कनेक्टेड होगा। सप्लाई हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो निगेटिव चार्ज। कौन कैथोड है, कौन एनोड पता नहीं, बट ये हम लोग को पता है कि जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होगा, जिस पे रिडक्शन होता है वो क्या होगा, हमारा कैथोड होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है, वो तो इलेक्ट्रोड किसी ना किसी हमारा सॉलिड का है, इलेक्ट्रोड सॉलिड का, तो इस टाइप से सिलेंड्रिकल होगा। अरे हाँ या नहीं, एक मतलब ऐसे रॉड से दिखला दिए, तो इस टाइप से वो इलेक्ट्रोड कोई भी हमारा रखा हुआ होगा ना इस टाइप से, तो वो सिलेंड्रिकल होगा हमारा, ठीक है। आई बात समझ में? इसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इधर में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसा ही सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ऐसा ही कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हुआ। तो हम लोग को इस केस में कंडक्टिविटी पढ़ना है कि कंडक्टिविटी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कैसे डिफाइन करेंगे।
तो कंडक्टिविटी तो हमारा कंडक्टेंस के बराबर में होगा ही, कब, जब L का वैल्यू V1 हो जाए और A का वैल्यू V1 हो जाए। लेकिन यहाँ पे L किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे तो मेटैलिक कंडक्टर केस में तो L रिप्रेजेंट करता था लेंथ ऑफ द मेटैलिक कंडक्टर, यहाँ पे L किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो हेयर L विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। L किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर L रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। क्लियर, आई बात समझ में। वेयर एज द सेकेंड टर्म इज A, A क्या चीज़ है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट मेटेलिक कंडक्टर, तो इस केस में A किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो A विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो A किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो A विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए। ठीक है, तो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कंडक्टिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन और दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विच हैव यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ, यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जिसमें केस में हमारा L का वैल्यू 1 और L रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, विच हैव यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मेटैलिक कंडक्टर के केस में हमारा L रिप्रेजेंट कर रहा था लेंथ ऑफ मेटल, A रिप्रेजेंट कर रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल, तो अभी भी कंडक्टिविटी जो होगा दैट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस व्हेन व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू 1, और L किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, A किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टिविटी किसके बराबर में है, कंडक्टेंस के बराबर में है, इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि L रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, तो यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि A रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड यूनिट होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी यूनिट होगा, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्लियर, एनी कन्फ्यूजन, नो सर। तो कंडक्टिविटी हमेशा कंडक्टेंस के इक्वल में है जब L का वैल्यू 1 होगा, A का वैल्यू 1 होगा, बट L एंड A अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए L रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, A रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जबकि मेटैलिक के लिए L रिप्रेजेंट करता था लेंथ ऑफ द मेटल एंड A रिप्रेजेंट करता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटल। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोग को इसी टाइप के कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी ये सबको पढ़ना है, कैलकुलेट करना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस टाइप से डिफाइन करेंगे हमारा कि वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन भी यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूनिट हो, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। या तो लेंथ और एरिया के टर्म्स में, एक टर्म में हम लोग ऑल्सो कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो कंडक्टिविटी वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैविंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब कि 1 cm³, दैट मीन्स 1 ml। आई बात समझ में? तो वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम 1 ml होगा और 1 cm³ होगा, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के भी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक तो हम लोग इसके L और A के टर्म्स में डिफाइन कर ही सकते हैं कंडक्टिविटी को, एक वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम यूनिट हो जाता है तब उस केस में जो हमारा ये है जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं जो ब्रेक करते हैं अपने आयंस में, उसका वॉल्यूम जब यूनिट हो जाएगा तो उस केस में हम लोग उसका जो कंडक्टेंस को मेजर करेंगे, यूनिट मतलब 1 cm³, दैट मीन्स 1 ml, तो उतना हो जाएगा। दैट मीन्स उस केस में अगर हम लोग उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, सॉरी कंडक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज़ द कंडक्टिविटी। तो ये दोनों हमारा होता है, दिस इज द क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग वॉल्यूम वाला। तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा दैट इज बेसिकली कंडक्टिविटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ अगर हम लोग यूनिट की बात करें कंडक्टेंस का, तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ये क्या होगा बेसिकली? तो कंडक्टेंस होता क्या चीज़ है? तो कंडक्टेंस इज सिंपली 1/ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, तो इसका हमारा उल्टा हो जाएगा, दैट मीन OHM होता है ओम, इसका हम लोग उल्टा लिखते हैं MHO। ठीक है, और सिंबल अगर लिखेंगे तो ओम इनवर्स, ओम का उल्टा। ठीक है, जबकि अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें कंडक्टिविटी के लिए, तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वो होता है बेसिकली 1/ रेसिस्टिविटी, वो क्या होता है कंडक्टिविटी अभी हम लोग ने पढ़ा है कापा, दैट इज इक्वल टू 1/ रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का यूनिट हम लोग देखे थे उस केस में क्या चीज़ था हमारा? तो ओम इंटू मीटर इनवर्स। क्या चीज़ था हमारा? ओम इंटू मीटर इनवर्स नहीं, ओम मीटर था, ρL/A। हाँ, तो ओम मीटर था, तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ ओम इंटू मीटर, दोनों ऊपर में चला जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मीटर में अगर नहीं लेना है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए कंडक्टेंस हमारा कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो कंडक्टेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ही, नेचर ऑफ मटेरियल पे। हम लोग को देखिए मेटैलिक कंडक्टर के लिए कंडक्टेंस को नहीं डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए डिस्कस करना है क्योंकि उसी को हम लोग को स्टडी करना है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ही, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए कंडक्टेंस का वैल्यू अलग अलग होगा। और कंडक्टेंस हमारा किस चीज़ को मेजर कर रहा है? एबिलिटी टू फ्लो ऑफ चार्ज, कि हमारा चार्ज कितना आसानी से, मतलब करंट कितना आसानी से फ्लो हो रहा है। और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में हमारा चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज को फ्लो करवाने वाला कौन होता है? चार्ज को फ्लो करवाने वाला बेसिकली कौन होता है आपका? तो चार्ज को फ्लो करवाने वाला बेसिकली आपका होता है आयंस। दैट मीन्स जितना ज़्यादा आयंस होगा, दैट मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज कैरियर होगा, कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा कि नहीं, उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। दैट मीन्स कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। जितना ज़्यादा चार्ज कैरियर होगा, चार्ज को कैरी करने वाला होगा, उतना हमारा क्या चीज़ होगा? कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? क्लियर। साथ ही में हमारा अगर लेंथ का वैल्यू चेंज करेगा, एरिया का वैल्यू चेंज करेगा, एल या ए का वैल्यू चेंज करेगा तो उस पर भी चेंज करेगा, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा। तो कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा अलग अलग है तो उसके लिए कंडक्टेंस का वैल्यू भी अलग अलग होगा। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये पार्ट जो भी हम लोग पढ़े हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस? इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट कितना आसानी से फ्लो हो रहा है उसी को मेजर करने का जो हमारा टूल है दैट इज बेसिकली कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है हमारा, इसका हम लोग पढ़े कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हम लोग पढ़े कंडक्टेंस ऑफ दैट
मेटेलिक कंडक्टर जिसका लेंथ ऑफ कंडक्टर वन, लेंथ ऑफ मेटल वन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वन होगा, जबकि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में बात करें तो जिसका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड यूनिट होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड यूनिट होगा, या फिर सीधा बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिस केस में इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम यूनिट होगा 1 ml और 1 cm³ होगा, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के ही कंडक्टेंस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के ही कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी को बोलते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज आवर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बाकी आपको इलेक्ट्रोड ये सब पता ही है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पता है, इलेक्ट्रोड क्या पता है ये सब तो आपको जानते ही हो, पहले बता चुका हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कि किस किस फैक्टर पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो एक तो मैं अभी जस्ट बताया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जितना ज़्यादा चार्ज को कैरी करने वाला चीज़ रहेगा, चार्ज उतना ज़्यादा फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो देर आर बेसिकली टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, एंड सेकेंड वन इज मोबिलिटी ऑफ आयंस। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्टेंस को पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर होता क्या चीज़ है, आयंस। तो जितना ज़्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट में, चार्ज हमारा मतलब कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना ज़्यादा होगा, मतलब कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, कि चार्ज को कैरी करने वाला जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फ्लो होगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज़्यादा कंडक्ट करेगा, मतलब कंडक्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ, फॉर एग्जाम्पल कि 1 molar आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है और दूसरा आपका है 2 molar NaCl का सॉल्यूशन, तो आप बताइए कि इन दोनों में हमारे पास कंडक्टेंस कौन से इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होगा, कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हमारा कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। नाउ हम लोग देखते हैं चार्ज करिए, 1 molar Na+, तो NaCl, तो ये ब्रेक करेगा Na+ और किसी में Cl-, अगर इसका 1 mole हम लोग ले रहे हैं तो इसका भी 1 mole बनेगा, इसका भी 1 mole बनेगा, 1 से 1, 1 से 1, दैट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना मोल्स हो गया, 2 moles, 1 mole कटायन एंड 1 mole अनायन। तो यहाँ पे चार्ज कैरी करने वाला कितना बना आयन, तो 2 mole आयन बना। जैसे इस केस में बात करें तो 1 से 2, यहाँ पे इसका 2 molar है, मतलब 2 mole के टर्म्स में, तो 2 से ये भी बनेगा 2, मतलब कितना मोल आयन्स बना, 4 mole आयन। तो इस केस में 4 mole आयन है चार्ज को कैरी करने वाला, इस केस में 2 mole आयन है चार्ज को कैरी करने वाला, किस केस में हमारा चार्ज कैरियर ज़्यादा है, इस केस में, मतलब कंडक्टेंस इसी का क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी को ये आसानी से मतलब ज़्यादा कंडक्ट करेगा। क्लियर, क्योंकि चार्ज को कैरी करने वाले का नंबर ज़्यादा है, ठीक है। जबकि मैं बोलूँ आपको क्या, आप बताओ कि 1 molar NaCl, 1 molar सॉल्यूशन है आपका दूसरा MgCl2 का, तो इन दोनों में हमारा कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं NaCl, तो 1 mole से इसका भी 1 mole और इसका भी 1 mole, कितना मोल आयंस मिला, तो 2 mole यहाँ पे चार्ज करिए मिला यहाँ पे, जबकि 1 mole से इधर इसका 1 mole और इसका कितना मोल, 2 mole, तो कितना मोल हम लोग को आयंस मिला, तो 3 mole आयंस मिला, मतलब चार्ज कैरियर 3 mole, चार्ज कैरियर ज़्यादा मतलब इसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज को कैरी करने वाले का नंबर होगा, चार्ज कैरियर का वैल्यू जितना ज़्यादा, उसके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का टेंडेंसी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। दैट मीन्स
कि कंडक्टेंस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, दैट मीन्स मोर इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मोर इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा चार्ज को कैरी करने वाला हमारा होगा कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उतना ही क्या होगा ज़्यादा होगा। जबकि दूसरा है मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी मतलब टेंडेंसी टू मूव, मूव करने का टेंडेंसी। अब आयन जितना ज़्यादा मोबाइल होगा, आयन जितना ज़्यादा मोबाइल मतलब आयन के पास जितना ज़्यादा इधर से उधर मूव करने का टेंडेंसी, तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब आयन के पास तो चार्ज होता ही है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। तो मोबिलिटी आयंस का जितना ज़्यादा होगा मतलब मूव करने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कंडक्ट करेगा। दैट मीन कंडक्टेंस इस केस में भी हमारा क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ आयंस से भी कैसा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स कंडक्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली मोबिलिटी ऑफ आयंस। आयन जितना आसानी से हमारा मूव कर सकता है उस केस में आयन का आसानी से मूव करना मतलब चार्ज का आसानी से मूव करना, चार्ज का आसानी से मूव करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से फ्लो होना, दैट मीन्स कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस सॉरी क्या है ज़्यादा, दैट मीन्स हमारा मोबिलिटी आयन जितना आसानी से मूव कर सकेगा उसका हमारा क्या होगा कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उतना ही क्या होगा ज़्यादा। लेकिन मोबिलिटी ऑफ आयंस डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि मोबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी ऑफ आयंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी ऑफ आयंस, ये कौन कौन से फैक्टर पे आयन का मोबिलिटी डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज, आसान है ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। ठीक है, अब सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जितना स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन होगा आयंस का मोबिलिटी उतना कम होगा। इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाने का मतलब ये हो गया कि वो दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ के रखा है, दो आयन है, ये आयन दोनों सॉल्यूट है हमारा। अब इस केस में इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है, अब इसको मूव करना है तो ये अकेला मूव करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके साथ इसका इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो ये इसको भी साथ में लेकर के मूव करेगा। अब जैसे ही इस दूसरे को पकड़ के खींच रहा है मतलब उसके मूव करने का टेंडेंसी क्या हो गया घट गया, मूव करने का टेंडेंसी आयन का जैसे ही घटेगा दैट मीन्स हमारा क्या हो गया कंडक्टेंस भी घट गया। आई बस समझ में, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मोबिलिटी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, कि सॉल्यूट सॉल्यूट आयंस के बीच में इतना स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा उसके मूव करने का टेंडेंसी उतना ही क्या होगा कम, और मूव जितना करने का टेंडेंसी कम होगा दैट मीन्स हमारा क्या हो गया मोबिलिटी ऑफ सॉल्यूट आयंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जितना ज़्यादा उसके मूव करने का टेंडेंसी उतना ही क्या हो गया कम, जितना कम मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी उतना कम कंडक्ट करेगा। जबकि सेकेंड है हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सिमिलरली वही बात, इंटरैक्शन किसी भी केस में स्ट्रॉन्गर हुआ तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में हमारा इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा तो दूसरे को भी साथ में लेकर के मूव करेगा दैट मीन्स मोबिलिटी घट जाएगा। तो मोबिलिटी इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, दैट मीन्स मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन दैट मीन्स विस्कोसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा हमारा मूवमेंट उतना ही कम होगा, मूवमेंट जितना कम होगा मतलब फ्लो ऑफ चार्ज उतना कम हुआ इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करेगा। एंड थर्ड वन इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अरे इंटरेक्शन कोई सा भी स्ट्रॉन्गर होगा, इंटरेक्शन जैसे ही हमारा स्ट्रॉन्गर होगा उसके मूव करने का टेंडेंसी घट जाएगा दैट मीन्स मोबिलिटी इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिला दिए, अब उसके बीच में इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्गर है मूव करने का टेंडेंसी उतना ही क्या होगा कम होगा। फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज बेसिकली टेम्परेचर। अब जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे
तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो या तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कोई सा भी इंटरेक्शन होगा, टेम्परेचर बढ़ाए मतलब आप एनर्जी सप्लाई किए तो वो इंटरेक्शन टूटेगा, वीक होगा, कमजोर होगा। और जैसे ही ये इंटरेक्शन वीक होगा, कमजोर होगा, मतलब मोबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स मीन टेम्परेचर से मोबिलिटी कैसा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा इंटरेक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन विल डिक्रीज। और जैसे ही इंटरेक्शन वीकर होगा दैट मीन्स हमारा क्या होगा, इंटरेक्शन वीकर मतलब मोबिलिटी क्या हो जाएगा, हाइयर, मतलब आयन आसानी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। जितना ज़्यादा आयन आसानी से मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज़्यादा कंडक्ट होगा। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कि ये सब कुछ हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने में, कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या होता है उसमें, हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे हम लोग प्रोडक्ट को गेन करते हैं, ये सब। ओके, थैंक यू सो मच।